Hello everyone, welcome back to SSC Mathon RRB Group D 2018 ka question hai. A seller sold 2 meter cloth of 3 different colors to 70 customers. 20 customers bought red color, 20 red, yellow colored cloth, red and yellow colored cloth, red and yellow. 10 customers brought yellow and maroon, 10 customers brought yellow and maroon. 15 customers brought red and maroon cloth, 15 customers brought red and maroon cloth, 19 bought all the three colors, matlab red, yellow, maroon, theek hai. Ab kya bola gaya, in how many people bought only 2 meter cloth of only one color? Sir, ye jo question hai na, ye bahut mazedar question hai. Kitna? 70 customers kharida tha. Aap dekho, ye aap Venn diagram kar sakte ho? Haan sir, kar sakte hain. Kaise karenge? Sir, kar lete hain pehle 3 gola, theek hai. अब देखो कौन सा सर ये रेड ले लेता है और क्या करता है ये येलो कर लेता है और ये मरून कर लेता है ठीक है देखो बाबू तीनों कलर ले लिया 19 पीपल ने दो दो कलर करके कौन कौन लिया सर 20 बाबू 15 बाबू एंड 10 बाबू क्या सही लिखे रेड एंड येलो ठीक है अच्छा येलो एंड मरून 15 होगा येलो ना 10 होगा येलो एंड मरून 10 एंड रेड एंड मरून 15 ठीक है यहां तक तो हो गया अब इन तीनों में से तीनों ने तो ऐसा ले लिया अब सर 70 पीपल थे 70 में से 70 पीपल थे 70 में से क्या निकालना है हमें सर निकालना है क्या सर 20 15 और 10 निकाल लेते 70 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 कर लेते हैं क्यों सर क्यों हमारे पास ये 19 वाला फंडा क्यों नहीं है देखो इन्हीं में से कुछ होगा जो कि तीनों कलर होगा ये दिया हुआ है 20 कस्टमर्स बॉट रेड एंड येलो कलर क्लॉथ लेकिन ये कहीं पे नहीं बोला गया कि वो तीसरा वाला कलर नहीं लेगा ठीक है तो यहां से क्या मिल जा रहा है आपका यहां से मिल जा रहा है आपका 20 और 30 और 45 45 45 इधर निकल जाएगा तो 5 50 50 20 25 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने की एक ही कलर लिया है ओनली वन कलर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ आशा करते हैं नहीं हुआ ओके सर थैंक यू बाय बाय स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास